जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल अज़ीज़। आज का जो हमारा वीलॉग है ये एक इंडियन एक मूवी है सलार, और उसका टीज़र आया तो उसी के ऊपर है। और इसके ऊपर बहुत से ज़्यादा हमें कमेंट्स आए हुए थे कि इसके ऊपर आपने रिएक्शन बनाना है, तो चलें स्टार्ट करते हैं कि ये मूवी, इसका मुझे तो काफ़ी हिट लग रही है और इसका टीज़र ही बहुत सारे लोगों ने देख चुके हैं। 6 डेज अगो आया है, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं इसको। सलार मूवी है और प्रभास इसमें है, और प्रशांत नील है, और प्रीत विराज हैं, श्रुति हसन है, होम्बल फिल्म्स हैं, और विजय करागंदर, ये इसमें नेम्स हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी सलार टीज़र। Simple English. No confusion. Lion, cheetah, tiger, elephant. Very dangerous. Not in Jurassic Park. Because in that park, there is a जी ये सलार का एक टीज़र आया भाई, और इसमें इन्होंने कुछ हमें दिखाया है कि जी ये इसमें जो हीरो हैं वो वही हैं बाहुबली वाले। और इसमें मुझे जहाँ तक लगता है वो जिस तरह मूवीज़ थी KGF 2, KGF 1, ये बिल्कुल उसी के तर्ज पे इन्होंने ये मूवी बनाई है। और जिस तरह उसमें लड़ाई, ओवरऑल लड़ाई थी, और बिल्कुल उसी तरह ही इन्होंने बनाई है। लेकिन इनकी एक चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, वो ये है कि ये एक देसी माहौल में बनाई हुई है। और देसी माहौल का मतलब ये है कि जैसे आजकल मूवीज़ बनाते हैं बाहर वाले वो कंट्रीज़ में जाके, तो वो मूवी जितनी भी हो सकती हैं शायद ओवरऑल 90s या 2000 के स्टार्ट में वो हो सकते हैं आवाम को अच्छी लगती हों, कि ओवरऑल बाहर वाले कंट्रीज़ में जाके बनाते हों तो वो अच्छी लगती हों। लेकिन आजकल जो अच्छी लगती है मूवी वो यही है कि अपने मुल्क में बनाई जाए। तो इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि इन्होंने इंडिया को चूज़ किया है और वहीं पे बनाई है। और ये मूवी जो है वो हिंदी, तमिल, वो सारी जितनी भी वहाँ पे ज़बानें बोली जाती हैं उनमें ये रिलीज़ की जाएगी। तो ये सबसे अच्छी बात है कि जितने वहाँ पे कंट्रीज़ में जितने लोग देखने वाले हैं, जितनी ज़बानें बोलने वाले हैं, वो सब लोग इसे देखेंगे। तो सेकंड नंबर पर मुझे ये उम्मीद है कि ये इसका ट्रेलर तो बहुत ही शानदार है और ये मूवी हिट होगी, और डेफिनेटली ये हिट होगी। तो आप लोग अपनी जो भी जिस भी वीडियो के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनवाना चाह रहे हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं इंशाल्लाह होपफुली इसके ऊपर आपकी जो भी आपका कमेंट्स होगा उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी। इसके साथ ही अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।